In this video, we will study traditional file processing system and the relational database. It is a computer-based system. All the information is stored in different computer files in a manner that all the department of an organization have their own set of files that creates redundancy. मतलब जो traditional file processing system होता है ये एक computer based system है जहाँ पर कि information और data जो होता है वो अलग अलग computer files में saved है. इस तरीके से saved है कि for example अलग अलग department के पास अपना अलग अलग files का set होगा. For example कोई ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल द सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एट्सेट्रा, और भी डिपार्टमेंट्स होंगे. तो सब आई एम टेकिंग दीज थ्री डिपार्टमेंट्स. तो डिपार्टमेंट जो कंपनी है वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रही है किसी फाइल में, तो सेल्स डिपार्टमेंट को भी उसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी उसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन फाइल वन में सेव्ड है. तो फाइल वन जो है सेल्स डिपार्टमेंट के पास भी होगी वो फाइल, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास भी फाइल वन की कॉपी होगी. सॉफ्टवेयर कॉपी दोनों के पास अलग अलग होंगी जबकि सेम इन्फॉर्मेशन है दोनों फाइल्स के अंदर. तो जब सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज हम स्टोर करते हैं दैट इज नोन एज रिडंडेंसी, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा है कि व्हाट इज रिडंडेंसी. तो रिडंडेंसी का मतलब होता है सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का. रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए डेटाबेस के अंदर, डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा है ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, बिकॉज द सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज इज बीइंग केप्ट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो जो ये सिस्टम है ये सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल है जो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. इट इज़ गुड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर कि डेटा कम होता है सेव करने के लिए. जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम अप्रोप्रिएट नहीं है, वहाँ पर रिलेशनल डेटाबेसेस आर मोर अप्रोप्रिएट. नेक्स्ट पॉइंट दैट इट इज़ कॉम्प्लेक्स When anyone requires to change information, obviously अगर हमें information change करनी है तो वो बहुत ही complicated हो जाती है क्योंकि duplicate files हैं, duplicate data है, तो हर file में हमें change करना पड़ेगा which becomes complex. In all, this file system creates redundancy and integrity issues are also there. Redundancy हमने देख लिया कि duplicate data है और इंटीग्रिटी इश्यूज भी हैं. इंटीग्रिटी मतलब है यहाँ पर इनएक्यूरेट डेटा है. इनएक्यूरेट डेटा कैसे है कि सपोज फाइल वन जो दो डिपार्टमेंट के पास थी, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो हमने एक फाइल में एक जगह चेंज कर दिया, एक साइट पर चेंज कर दिया, लेकिन दूसरी साइट पर चेंज नहीं करा, तो डेटा क्या होगा? इनएक्यूरेट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा. तो रिडंडेंसी एंड इंटीग्रिटी इश्यूज आर देयर इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. एक बार हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इस प्रोसेसिंग फाइल सिस्टम की. पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रिलेशनल डेटाबेसेस के कंपैरिजन में इनएक्सपेंसिव हैं. ऑब्वियसली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं, स्मॉल डेटा स्टोर करते हैं तो ये इनएक्सपेंसिव पड़ते हैं. ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट्स. अगर किसी स्टूडेंट क्लास का मुझे डेटा मेंटेन करना है तो मैं किस में करूँगी? MS एक्सेल शीट में, वर्कशीट में स्टूडेंट्स की डिटेल्स सारी स्टोर कर ली. तो जब हमें कम डेटा स्टोर करना होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को स्टोर करना होता है, तो फ्लैट फाइल सिस्टम और ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज अप्रोप्रिएट. ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को हम फ्लैट फाइल सिस्टम और डेटाबेस भी कहते हैं.
इसलिए जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर फाइल्स जो होती हैं उनको कहते हैं फ्लैट फाइल्स. नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टोर्स द स्टोर्स डेटा इन ग्रुप ऑफ फाइल्स ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज फाइल्स कैरिंग डेटा आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. मतलब कि इस डेटाबेस के अंदर, ट्रेडिशनल डेटाबेस के अंदर जो फाइल्स हमारी सेव्ड होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती हैं, उनके बीच में कोई लिंक नहीं होता है. दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम. जबकि जो फाइल्स होती हैं डेटाबेस के अंदर वो एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, जो कि हमारे रिलेशनल डेटाबेस में होता है. तो फाइल्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती हैं तो डेटा को एक्सेस करने में, रिट्रीव करने में डिफ़िकल्टी होती है. इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू फेच और रिट्रीव द डेटा बिकॉज द फाइल्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर एंड देयरफॉर दिस सिस्टम इज लेस फ्लेक्सिबल एंड हैज़ मैनी लिमिटेशंस. यही सारी लिमिटेशंस हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, और फ्लेक्सिबल भी कम है. नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इट. मेंटेन करना इस सिस्टम को डिफ़िकल्ट है. ये अभी पूरा मैंने अभी एग्जांपल दिया सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का. एक और हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है कॉलेज में, उसकी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली कॉलेज के डेटाबेस में स्टोर होगी, और वो कॉलेज सपोज ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है. तो उस स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है सारी, स्टूडेंट ने फीस दी है नहीं दी है, किस सेमेस्टर की दी है, और उसका एड्रेस, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एट्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की कॉलेज में स्टोर होगी. तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फाइल्स होंगी. सपोज़ अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, स्टूडेंट ने फीस दी है, किस सेमेस्टर की पेंडिंग है एट्सेट्रा, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है. नेक्स्ट डिपार्टमेंट, इधर एचओडी सर के पास एक उसका स्टूडेंट का डेटा है, उसके कितने मार्क्स हैं, उसके नेम, एड्रेस एट्सेट्रा, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर. सपोज स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर चेंज होता है, तो वो अपने एचओडी सर को इन्फॉर्म कर देगा कि सर माय न्यू मोबाइल नंबर इज़ दिस, और वो एचओडी सर अपने कंप्यूटर फाइल में चेंज कर लेंगे. लेकिन उसने वहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नहीं बताया, तो उसका वहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एक तो रिडंडेंसी है कि अलग अलग जगह डेटा हमारा सेव्ड है, दूसरी चीज़ कि इनएक्यूरेट डेटा, इनकंसिस्टेंट डेटा हो रहा है, क्योंकि एक जगह मोबाइल नंबर चेंज हुआ, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो एक फाइल में चेंज हुआ, बट दूसरे डिपार्टमेंट की फाइल में वो कॉन्टैक्ट नंबर चेंज नहीं हुआ, ठीक है. तो इनएक्यूरेट एंड इनकंसिस्टेंट डेटा, और इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जितनी भी उसकी डुप्लीकेट कॉपीज होंगी उतनी जगह हमें उस कॉन्टैक्ट नंबर को अपडेट करना पड़ेगा. सो दिस इज ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम which is good for small organizations only, not for big organizations. Relational database is a database which is based on relational model of data. Actually, database में कई models होते हैं जो अभी मैंने discuss नहीं करे हैं. एक मॉडल होता है रिलेशनल मॉडल, बाकी मॉडल्स होते हैं नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल एट्सेट्रा. सो डेटाबेस के कई सारे मॉडल्स होते हैं, उसमें से एक होता है रिलेशनल मॉडल. तो जो डेटाबेस रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड होता है उसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस. और जो सॉफ्टवेयर रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन करता है उसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस होता है, और डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, विच इज एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. लेकिन अगर वो डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर
रिक्वायर्ड होगा उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज RDBMS. नाउ रिलेशनल डेटाबेस वॉज इन्वेंटेड बाय EF कॉड इन 1970. द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल RDBMS वॉज Oracle, which was released in 1979. The other examples of RDBMS are SAP SAP, Sybase ACE, DB2, Informix, etc. There are many other RDBMS also. तो पहला जो commercially available RDBMS था वो Oracle था और 1979 में release हुआ था. Data in relational database is stored in tables called relations as a set of rows and columns. तो जो relational database के अंदर जो data stored होता है वो tabular form में save होता है, tabular format में, और tables की form में अगर होगा तो obviously rows and columns होंगी. तो जो टेबल होती है रिलेशनल डेटाबेस में, टेबल्स को हम कहते हैं रिलेशंस, और रोज एंड कॉलम्स, तो रोज आर कॉल्ड टपल्स एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स. सो टेबल्स आर रिलेशंस, रोज आर टपल्स और रिकॉर्ड्स, एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. द There is the primary key for each row in a table for accessing it. हर table के अंदर एक primary key होती है जो कि uniquely identify करेगी उस row को. Obviously कुछ एक unique value होनी चाहिए जिससे कि हम particular row को access कर सकें. तो primary key क्या हो गई? Unique column values. For example, अगर student की टेबल है, टेबल है जिसमें स्टूडेंट का डेटा है, तो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट का एड्रेस एक्सेट्रा, बहुत सारे कॉलम्स हैं, फील्ड्स हैं. ठीक है, फील्ड्स कॉलम्स को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, दैट इज उस टेबल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं. तो उसमें ऐसी कौन सा एट्रीब्यूट है जो यूनिक वैल्यूज कंटेन करेगा? तो जो यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा वो है रोल नंबर, क्योंकि किसी भी दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता. तो रोल नंबर वाले कॉलम को और एट्रीब्यूट को हम क्या बनाएंगे? प्राइमरी की बनाएंगे. प्राइमरी की वो कॉलम बनता है जिसकी वैल्यूज होती हैं यूनिक और जो पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ रोल नंबर 4 का एड्रेस क्या है, तो एक ही रो सेलेक्ट होगी क्योंकि रोल नंबर 4 वाला स्टूडेंट एक ही होगा. तो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा पर्टिकुलर रो को, किसी भी दो स्टूडेंट के सेम रोल नंबर्स नहीं हो सकते हैं. जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टेबल है रोज एंड कॉलम्स. अब एक रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ऐसी बहुत सारी टेबल्स होंगी और वो सारी टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, और वो कनेक्टेड कैसे होंगी? प्राइमरी की के थ्रू. प्राइमरी की डिफाइंस रिलेशनशिप्स अमंग द टेबल्स, किस तरीके से वो कनेक्टेड हैं. दैट विल बी द वेरियस टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेस विल बी कनेक्टेड थ्रू द प्राइमरी की. ये हम आगे अभी और वीडियोस में डिस्कस करेंगे. SQL में पूरा हम दोबारा से रिलेशनल डेटाबेस में किस तरीके से प्राइमरी की, प्राइमरी की बहुत सारी कीज होती हैं, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की एट्सेट्रा, जो कि हम SQL में आगे पढ़ेंगे. अभी एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ बस, दिस इज सफिशिएंट फॉर रिलेशनल डेटाबेस, कि एक प्राइमरी की होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रो को. रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइड करता है रिलेशनल ऑपरेटर्स भी, जो कि मैनिपुलेट कर सकता है डेटा को टैबुलर फॉर्म में. रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एट्सेट्रा. ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि जो डेटा स्टोर्ड है टैबुलर फॉर्म में उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशनल डेटाबेस. इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.